नमस्कार साथियों, ये हमारा एक LG का डक्टेबल AC है जो 3 फेस का है, जिसकी वोल्टेज 220 है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी 118,000 BTU। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है LN10B0CC। इसमें समस्या क्या मिली है हमें, यानी हमें शिकायत ये मिली है कि मशीन ये कूलिंग नहीं कर रहा। देखिए, मैं मशीन के पास आया हूँ, हालांकि मैंने प्रॉब्लम को देख लिया है कि प्रॉब्लम इसमें क्या क्या है और जिसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, मशीन हमारा रनिंग में है, मशीन चल रहा है फिलहाल, इसमें एक ही सर्किट चालू है, दो सर्किट है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, मशीन चल रहा है, अब कंडेंसर की तरफ हम देखेंगे तो ये कंडेंसर फैन चल रहा है, ये धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे घूम नहीं रहा, ये रनिंग में है, स्पीड के वजह से ये स्लो दिख रहा है। ये फैन है हमारा जो जाम है, ये हिल भी नहीं रहा, फैन एक जाम है, ठीक है, और एक फैन चल रहा है। इस मशीन में क्या है, जब सर्किट ए हो या बी हो, यानी कंप्रेसर ए हो या बी हो, जब कोई कंप्रेसर चलता है तो दोनों कंडेंसर फैन चलना चाहिए। वो इसलिए कि ये जो भाग चल रहा है सर्किट ए का, इसका कंडेंसर और फैन इस साइड में है, अंदर सब ओपन है, और इसका कंडेंसर इस साइड में है और फैन इस साइड में है, कंप्रेसर इसके नीचे है। इसमें होता है क्या है कि अगर ये कंप्रेसर चल रहा है और सिर्फ यही पंखा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पंखा चल रहा है तो इधर का जो कंडेंसर है, इधर से तो हवा खींच के ऊपर फेंकेगा ही फेंकेगा, इधर से भी खींच के फेंकेगा। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि इस वाला कंडेंसर का जो है टेम्परेचर है, हीटिंग है, बढ़ जाएगी। अभी देखिए, जब फैन ख़राब होता है तो कंप्रेसर का एम्पियर बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है, एम्पियर तभी बढ़ेगा जब कंडेंसर में हीटिंग बढ़ेगी, प्रॉपर हीट रिलीज नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा कंडेंसर से। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, हालांकि इसका फिलहाल बैरिंग जाम है, मैं ऐसा मानना है मैं बैरिंग इसको चेंज करूँगा, बैरिंग चेंज करके वाइंडिंग चेक करूँगा, यहाँ से फिलहाल में यहाँ से डिस्कनेक्ट है और वाइंडिंग चेक करूँगा, अगर वाइंडिंग ठीक रहा तो बैरिंग चेंज करके मैं पुनः लगा दूँगा, फिर हमारा दोनों कंडेंसर फैन चल जाएगा। एक रीज़न ये हो गया कि कंडेंसर फैन हमारा नहीं चल रहा। दूसरा रीज़न क्या है, देखिए इसमें गैस का भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये 13 एम्पियर ले रहा है, काफ़ी कम है, गैस का जो एम्पियर कम है, कूलिंग लेस है, उसका भी एक रीज़न, यानी दूसरा रीज़न ये है कि जो सर्किट चल रहा है, यहाँ से देखेंगे ये सर्किट चल रहा है, इसी में डिस्चार्ज वाल पे चेक करेंगे हम। देखिए डिस्चार्ज वाल पे तेल आया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा पाइप है हाफ का, हालांकि ये डिस्चार्ज लाइन हाफ का है, इसका फ्लेयर प्रॉपर टाइट नहीं है, फ्लेयर से ही हमारा माइनर लीकिंग है, जो तेल आया हुआ। और जाहिर सी बात है कि जब मशीन का या सर्किट का जब तेल थोड़ा गैस जब बाहर निकल जाता है, तो जहां मशीन को आधे घंटे एक घंटे चलना चाहिए, वहां पे लगातार 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा चलता है वो। उसका बड़ा कारण ये होता है कि कंप्रेसर ओवरहीट होता है, ओवरहीट होकर ट्रिप भी होता है, टर्मिनल से डैमेज भी होता है, ब्लास्ट भी होता है, ठीक है, या इंटरनल ग्राउंडिंग भी हो जाती है। तो इस मशीन में मैं दो चीज़ें करने जा रहा हूँ, दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला, इस मोटर का मैं बेरिंग चेंज करूँगा, बेरिंग चेंज करके फिर से मैं लगाऊँगा, हालांकि इस मोटर में बेरिंग हमारा 6202 है, दो बेरिंग लगता है इसमें, दोनों साइड में सेम बेरिंग है, सेम साइज़ का, और इसमें जो है जो लीकेज का इश्यू है, मैं इसको थोड़ा सा खोल के, हो सकता अगर इसमें दो चीज़ है, एक तरफ से स्प्लिट टाइप का है, जब ये कवर खोलेंगे तो आपको सक्शन वाल डिस्चार्ज वाल दिखेगा, तो वहाँ से आप गैस को स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करके हम फ्लेयर नट को खोल के फिर दोबारा रिटाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो मैं वो चीज़ करूँगा। और गैस कितना कम है गेज लगा के चेक करेंगे कि कितना कम है, उसको इनक्रीज करके मैं 55 के आसपास में करूँगा। तो चलिए, हालांकि वीडियो में प्रैक्टिकल ज़्यादा शूट नहीं इसलिए करूँगा क्योंकि मोबाइल बहुत जल्दी हीट हो रहा है टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो मैं इस कंडेंसर फैन का बेयरिंग चेंज करके लगा दूँगा और उसके बाद इसका फ्लेयर नट को मैं खोल के फिर रिटाइट करूँगा और गैस इंक्रीज करके फिर लास्ट में हम दिखाएंगे कि इसका प्रेशर कितना है, एम्पियर कितना है और कंडेंसर फैन का हमारा जो मूवमेंट है, रनिंग है, दोनों का ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम ये दो काम करते हैं। अभी देखिए साथियों, मैं मशीन का जो हमारा मेन प्रॉब्लम था, एक कंडेंसर फैन नहीं चल रहा था, उसका बेयरिंग मैंने चेंज कर दिया। ये वाला नहीं चल रहा था, अभी ये फ्री घूम रहा है और ये तो ऑलरेडी चल रहा था, ये भी फ्री घूम रहा है। बेयरिंग का इशू था, हमने उसको सॉल्व कर दिया। मोटर का कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, यहाँ से हमारा कनेक्टर निकला हुआ था, इस कनेक्टर को हमने लगा दिया। अब क्या है कि इनडोर से हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन है, क्योंकि इसमें क्या है, आउटडोर पे अलग सप्लाई है, इंडोर पे अलग सप्लाई, तो इंडोर से हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, जिससे ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन है। देख सकते हैं हम, ये सर्किट बंद है यानी सर्किट बी हमारा चालू है, इसी में प्रॉब्लम था, इसकी कूलिंग लेस थी। रनिंग में इसका 13 के आसपास एम्पियर ले रहा था। उसका एक रीज़न और था, यहाँ पर जो डिस्चार्ज वाला है वहाँ से लीकेज था, हमने उसको रिटाइट कर दिया। अभी हमने लीकेज टेस्ट कर लिया, फिलहाल लीकेज तो नहीं है। और उसी सर्किट में हाई साइड में हमने गेज लगा दिया है, रेड वाला हमारा हाई साइड में लग गया यहाँ पे और ब्लू वाला उसके सेक्शन में, यानी सर्किट बी के सेक्शन में और डिस्चार्ज में हमने गेज लगा दिया है। अब यहाँ का कवर को मैं बंद करूँगा और मशीन को स्टार्ट करूँगा, फिर देखूँगा कि गैस कितना कम है, कितना हमको इंक्रीज करना है। 13 एम्पियर ले रहा था तो फिलहाल कितना एम्पियर लेगा, ठीक है। और मैं प्रेशर 55 या 50 के आसपास होल्ड करके एम्पियर को रीड करके मशीन को होल्ड कर दूंगा। अभी देखिए साथियों, मैं क्लेमीटर को सर्किट बी के कंप्रेसर के लाइन में लगा दिया हूँ और यहाँ से हमारा गेज रेडी है। कवर को मैं पैक कर दिया हूँ, सिलेंडर को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ उल्टा करके, लिक्विड फॉर्म में डालूँगा मैं गैस को। और फैन हमारा एकदम ओके है, मैंने कवर को अच्छे से लगा दिया है और मूवमेंट इसका ठीक ठाक है। यहाँ से जो सर्किट बी का कॉन्टेक्टर ऑन है, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से ब्रेकर ऑन करेंगे। हमारा यहाँ पे ब्रेकर है, जस्ट इसके नीचे ही हमारा ब्रेकर, यहाँ पे इस ब्रेकर से हम ऑन करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन है, तो इसका मतलब धड़ाक से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा और कंडेंसर फैन भी स्टार्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एम्पियर को रीड करते हैं। देख सकते हैं एम्पियर कितना ले रहा है, 18 के आसपास। प्रेशर कहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है और कहाँ तक मिनिमम आ रहा है, इस चीज़ को रीड करेंगे। 300 तक 290 के आसपास गया है, ड्रॉप हो रहा है, हाई प्रेशर में ड्रॉप हो रहा है और लो साइड भी ड्रॉप हो रहा है। और ये देख सकते हो 40 के आसपास ही आके स्टॉप हो गया, लगभग 38 के आसपास, 35 के आसपास चला गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें गैस कम है, तो इसको मैं 5 मिनट चलने देता हूँ। 5 मिनट जैसे चलेगा तो इसका गैस थोड़ा सा जो सर जब सर प्रेशर में आएगा तो प्रेशर जो स्टेबल हो जाएगा, फिर मैं इसका जो गैस है इंक्रीज करूँगा। और एम्पियर देख सकते हैं, पहले 13 ले रहा था, अभी 10 ले रहा है। इसका मतलब क्या है, 13 इसलिए ले रहा था कि हीटिंग बढ़ रही थी कंडेंसर में, एक फ़ैन चलने के वजह से, एक फ़ैन बंद होने के वजह से, ठीक है। और अभी दोनों फ़ैन चल रहा है तो हीटिंग बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एम्पियर हमारा कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा प्रेशर भी रीड करेंगे, तो प्रेशर हमारा चला गया लगभग 40 के आसपास जा रहा है, ठीक है। 5 मिनट थोड़ा सा मैं रुकता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ। अभी देखिए 5 मिनट के बाद जैसे मैं इसका प्रेशर को रीड कर रहा हूँ तो ये 40 भी नहीं गया हुआ है बैक प्रेशर, और हाई प्रेशर आपका इसका 260 के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि गैस हमारा कम है, तो मैं प्रेशर को इंक्रीज करके 50 के आसपास करूँगा। और एम्पियर हमारा देख सकते हैं 13 ले रहा था तो अभी 11 के आसपास चला गया। तो इस देखिए, इस एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि एक पंखा बंद होने के वजह से एम्पियर हाई ले रहा था, क्योंकि हीटिंग बढ़ रही थी,
गैस कम था फिर भी 13 एम्पियर ले रहा था, ठीक है। अभी दोनों पंखा लगा दिया तो उसी गैस पे हमारा 11 एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि हीटिंग बहुत जल्दी बाहर निकल रहा है, तो कंप्रेसर पर लोड कम पड़ रहा है, लोड कम पड़ेगा तो एम्पियर कम लेगा। हालांकि 10 एम्पियर 11 एम्पियर जा रहा है, गैस कम है। अब गैस को इंक्रीज करूंगा, दोनों कंडेंसर फैन हमारा ठीक चल रहा है, देख सकते हैं दोनों कंडेंसर फैन ये भी चल रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि ये रुका हुआ है, लेकिन रुका नहीं है, ये चल रहा है और ये भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी दोनों कंडेंसर फैन पे रनिंग, दोनों कंडेंसर फैन के रनिंग पे मैं 50 के आसपास प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, बैक प्रेशर, उस टाइम मैं एम्पियर को रीड करूंगा। तो मैं 50 या 55 तक गैस डाल लेता हूँ, उसके बाद एम्पियर को रीड करके हमें अपना काम बंद कर दूंगा। तो चलिए हम यहाँ से धीरे से थोड़ा थोड़ा गैस खोलेंगे, लिक्विड फॉर्म में जाएगा हमारा गैस, गैस थोड़ा सा जा रहा है धीरे धीरे। हालांकि इसमें दो सर्किट है, हर सर्किट में 3 किलो 800 ग्राम यानी लगभग 4.25 किलो के आसपास गैस आता है। गैस है R22, R22 नंबर का गैस है, ठीक है। देखिए जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एम्पियर भी हमारा 1100 ऊपर उठना शुरू हो गया, देख सकते हैं 1100 ऊपर उठना शुरू हो गया है। तो चलिए मैं इसको 55 तक होल्ड करके एम्पियर को रीड करके मशीन को बंद कर दूंगा। अभी देखिए मैंने गैस को 50 तक कर दिया, देख सकते हैं गैस हमारा 50 तक पहुंच गया है, ठीक है, एकदम 50 के आसपास, 50 का हमारा होल्ड है बैक प्रेशर, ये वाला नीडल 50 पहुंचते ही 290 के आसपास हमारा ये हाई सेट चला गया। कूलिंग बेहतरीन है, मैंने पाइप को चेक किया, बेहतरीन चल रहा है। अब ये मशीन कितना एम्पियर ले रहा है, 13.23 ले रहा था, यानी गैस कम था उस टाइम भी 13 ले रहा था, एक कंडेंसर फैन बंद होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन कंफ्यूज हो सकता है कि भाई एम्पियर तो ठीक ले रहा है। उसका एक बड़ा रीज़न था कि हाई प्रेशर बढ़ रहा था, हाई प्रेशर से लोड बढ़ रहा था, लोड से एम्पियर बढ़ेगा, और उसका मेन रीज़न था हमारा एक कंडेंसर फैन नहीं चल रहा था, ठीक है। अभी हमारा प्रेशर ठीक है, एम्पियर ठीक है, और दोनों कंडेंसर फैन भी हमारा बेहतरीन चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ से। तो इस हिसाब से हमारा मशीन लगभग ओके हो गया। और हालांकि इस मशीन पे मैं थोड़ा सा ये काम करूँगा, हालांकि इसको ड्राई सर्विस कर सॉरी पानी से सर्विस तो करना ही है मेरे को, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इसको हाथ मार के थोड़ा सा धूल मिटा दूँ, ठीक है। हालांकि मैं मशीनों पे हाथ नहीं मारता हूँ, इसलिए कि उसका जो कॉयल है पंच हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं टेम्प्रोरी इसको थोड़ा सा हाथ मार दे सकता हूँ। चलिए अभी हमारा मशीन ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है मशीन हमारा बेहतरीन चलेगा। थैंक यू वेरी मच।